प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। धन्यवाद। प्रभु यीशु का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसमें दाऊद का ये भजन है और क्षमा प्राप्ति की आशीष का वर्णन है इसमें। एक व्यक्ति जो अपराध करके अपने पापों को छिपा के जब बैठा था, तो वो जब तक परमेश्वर के सामने उसने अपना अधर्म नहीं मान लिया और जब तक उसने अपने अपराधों की क्षमा प्राप्ति नहीं पाई, तब तक वो झुंझलाहट और पूरी रीति से एक दबाव में जीवन जी रहा था। वो रात दिन परमेश्वर के हाथ के नीचे दबा रहा और उसके अंदर जो तरावट थी वो धूप काल की सी झुर्राहट बनती चली गई। ये इस वचन में वर्णन किया गया है जो अभी पढ़ा। जब उसने अपना पाप प्रकट कर दिया और अपना अधर्म ना छुपाया, तो यहोवा के सामने उसने अपने अपराधों को जब मान लिया, यहोवा ने उसका अधर्म उसका पाप क्षमा कर दिया। एक समय होता है अपनी लाइफ में जब परमेश्वर निकट होता है, उस समय को हमें पूरी रीति से जब हमने खास तौर से जब पाप कर रखे हों और जब कोई अधर्म करके हम परमेश्वर से छिपे बैठे हैं, तो एक समय उस अवस्था में भी परमेश्वर हमारे निकट या तो अपने जन को भेजेगा या अपने वचन को भेजेगा या पवित्र आत्मा किसी पुस्तक से, परमेश्वर की के दासों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से या बाइबल से या किसी ऑडियो से या किसी वीडियो के द्वारा जो परमेश्वर की बाइबल से संबंध रखती है, परमेश्वर बातें करता है। और उस अवस्था में, उस समय जब हम नम्रता के साथ उस समय को हम उपयोग में लाएं और परमेश्वर से दूर ना भागें, वरन अपने आप को ना छिपाएं और परमेश्वर के निकट आएं। इसमें लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। परमेश्वर यदि निकट है और उसकी उपस्थिति निकट है, वो मिल सकता है, तो निश्चय एक भक्त जन को उसके निकट आना जरूरी है। जब वो निकट आए और अपने अपराधों को ये मान ले,
तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है और उस क्षमा का अनुभव वो प्राप्त करता है और वो धन्य लोगों में उसकी गिनती होती है। उसका अपराध क्षमा जब होता है तो वो उसके परमेश्वर उसकी आत्मा की निष्कपटता को देखता है। जब हम परमेश्वर के सामने मानते हैं अपने अपराधों को तो हम निष्कपट व्यक्तियों की गिनती में आ जाते हैं। यदि हम कपटता रखते हैं और नहीं मानते अपने पापों को और छिपा के बैठते हैं तो हम तकलीफ में रहते हैं और हम अधर्म के नीचे दबे रहते हैं और उसके कारण जब हम कपटता आत्मा की कपटता दिखाई देती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर मिल सकता है तो उस समय का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें दीनता के साथ उसके पास आना चाहिए ताकि हमारे अपराध मिटाए जाएं। जब क्षमा प्राप्ति मिलती है तो परमेश्वर का जन कहता है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। वो आनंदित होता और कहता है परमेश्वर के मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो जब परमेश्वर हमें माफ करता है तो वायदा करता है कि मैं तुझे अगुवाई भी दूंगा, कहता है कि मैं तुझे सम्मति दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कहता है मैं तेरे ऊपर कृपा की दृष्टि रखूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, लेकिन एक वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। घोड़ा और खच्चर दोनों का स्वभाव अलग अलग है। घोड़ा बिना लगाम के नहीं रुकता और खच्चर बिना रास के आगे नहीं भागता। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, वो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं रहने के। इस वचन से हमें ठीक ठीक साफ साफ परमेश्वर समझाते हैं कि कई बार हम ऐसी अभिलाषाओं और इच्छा से भरे होते हैं, कई बार हम अपनी ऐसी मनमानी से भरे होते हैं कि हम घोड़े के समान चलते हैं। जब वो घोड़े के मुंह में लगाम लगाता है तभी वो घोड़ा नियंत्रण में आता है। कई बार खच्चर के समान होते हैं जिद्दी और हम अड़े खड़े रहते हैं, तो खच्चर पे वो रास जो चमड़े के जो बहुत से टुकड़े होते हैं लकड़ी पे बंधे हुए उसको मारना पड़ता है खच्चर को, और जब वो बहुत तेज उसको मारते हैं तब उसके बदन के ऊपर वो तेज लगते हैं तब वो खसकता है आगे। तो प्रभु कहता है तुम ऐसे मत बनो कि घोड़े और खच्चर की तरह मुझे तुम्हारे साथ व्यवहार करना पड़े, तुम ऐसे मत बनो। कहता है यदि तुम जिद करोगे, हट करोगे, दुष्ट बनोगे, तो यहां लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा, क्योंकि दुष्टता आदमी के विश्वास को चोरी खत्म कर देती है। दुष्टता जो है खत्म कर देती है विश्वास को और दुष्ट को पीड़ा होती है, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। इसलिए लिखा है हे धर्मियों यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित रहो और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय 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 जयकार करो। आनंद से जय जयकार करो, सीधे मन वालों, हमें परमेश्वर के साथ सीधे मन का व्यक्ति बनना है। मन का सीधा मतलब जो जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर के सामने खोल देना, बता देना, कुछ छिपाना नहीं, कपटता के साथ परमेश्वर के साथ ना चलें, कपटता ना रखें, परमेश्वर के साथ सीधाई का जीवन। जैसे राजा दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर मेरी चिंताओं को परख ले, देख ले मुझ में देख कोई बुरी चाल है कि नहीं,
अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद ने एक जगह भजन संहिता में ये वचन कहा, दाऊद ने एक जगह कहा, हे यहोवा मुझे ढिटाई के पापों से बचा के रख, तब मैं बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तो परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यदि हम परमेश्वर की वाचा और प्रतिज्ञा पर विश्वास करके मन लगाकर प्रार्थना करें तो फिर जिम्मेवारी प्रभु की बनती है। यदि हमारे स्वभाव में कुछ भी कटुता है तो हम उसको मान लें प्रभु के सामने, तो वो उस सारी ढिटाई को, उस कटुता को निकाल सकता है हमारे जीवन से, हमारे पापों को वो क्षमा करेगा। वो ऐसा पिता है जो अपने बालकों पर दया करता है, वो उनके आसपास निकट आता है कि हम पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, क्षमा करें, क्षमा पाएं और क्षमा करें। जब हम नम्र होकर उसके चरणों में आते हैं तो वो माफ करते हैं। परमेश्वर यहोवा हमें माफ करता है और हमारा मन भी उसके सामने सीधा रहे, तो वो कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरा मार्गदर्शन अगुवाई करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आशीष दे आप सब सुनने वालों को। मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु इस ऑडियो को जितने लोग सुन रहे हैं इनके मनों में पिता परमेश्वर बहुत बार परमेश्वर दुख के कारण शैतान ने पीड़ा दी, कष्ट दिया, कई बार ये धीरज हार गए, कई बार पिता परमेश्वर धीरज खो बैठे, कई बार परमेश्वर अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, कई बार परमेश्वर ये पश्चाताप इन्होंने नहीं किया, कई बार इन्होंने अपनी भूल चूक और गलतियों को आपके सामने स्वीकार नहीं किया, कई बार पिता परमेश्वर शैतान ने इनको बहकाया और भटकाया, इन पर दया कर प्रभु। हे प्रिय यीशु, इन पर अपनी करुणा से परमेश्वर तू इनके निकट जाकर इनका उद्धार कर, पश्चाताप की आत्मा दे, मन फिराव की शक्ति दे। हे प्रभु परमेश्वर तू संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर यहोवा दया कर परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू इनका छिपने का स्थान बन जा, संकट में इनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर बनकर इनके निकट रहे, और प्रभु चारों ओर से छुटकारे के गीतों से इन्हें घेर ले प्रभु। हे परमेश्वर घोड़े और खच्चर जैसे स्वभाव को दूर कर पिता। ओ परमेश्वर निष्कपट हृदय से ये आपके साथ चलें प्रभु, और परमेश्वर पिता ये सिधाई से सीधे मन वाले व्यक्ति बनकर आनंद से प्रभु तेरी जय जयकार करते रहें प्रभु। परमेश्वर पिता दया कर पिता, हम सब पर दया कर प्रभु, अपनी करुणा से हमारे अपराधों को मिटा दे, और परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर इनके करहाने को देख पिता, और परमेश्वर जो तेरे हाथ के नीचे दबे रहते हैं, और परमेश्वर इस कारण क्योंकि अपने अपराधों को छिपा के रखा, लेकिन प्रभु तू दया कर, अब से प्रभु जी आप इन पर दया कर, और परमेश्वर आप इनको दिखा और बता प्रभु किन बातों से इनको मन फिराना है, किन बातों के कारण परमेश्वर इन्होंने पश्चाताप करना है, उन बातों को दिखा दे। वो इनके जीवन की चाल ये नहीं जानते, इन पे दया कर प्रभु। इनका चलना, इनका जीवन में की सारी गड़बड़ियों को प्रभु जी आप हटा दे इनके अंदर से प्रभु, इन पर करुणा कर, दया कर, अपने अनुग्रह से, अपने महिमा के बड़े धन अनुसार प्रभु तरस खाकर प्रभु इनको छुटकारा दे, इनको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा भेजकर इनके बंधनों से इन्हें छोड़ा प्रभु, आजादी दे प्रभु, और परमेश्वर इनको नम्र आत्मा दे प्रभु, सत्य का आत्मा दे, और अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर भेज प्रभु, और परमेश्वर सारे बंधनों से आजाद कर प्रभु, विश्वास में बढ़ा प्रभु, शांति दे इनको, तसल्ली दे इनकी आत्मा में, इनको सुख शांति से परमेश्वर तू ही परमेश्वर भर इनको प्रभु,
तेरे वचन में लिखा तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु इनमें इन इनकी आत्माओं में परमेश्वर परमेश्वर पिता जीवन को भेज पिता प्रभु, ओ इनके अंदर से कठोरता को हटा, इनकी आंखें प्रभु आपकी ओर लगे, या आपसे दूर ना भागें, भटके ना प्रभु, शैतान इनको भटकाने ना पाए, दूर ना जाएं प्रभु आपसे, आपकी उपस्थिति के निकट ये बने रहें, आप में बने रहें, आपकी सच्चाई में बने रहें, प्रभु यीशु के महान पवित्र नाम में पिता अपने लहू के बाड़े के अंदर इनको कर ले और प्रभु दुष्ट के हाथ से छुड़ा ले प्रभु, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, आमेन।